मॉर्निंग कैंडी, गुड मॉर्निंग। देख, अभी तो देख रहा था, अब उधर कैंडी, गुड मॉर्निंग। अच्छा से बैठ, बैठ के गुड मॉर्निंग, बैठ के गुड मॉर्निंग होगी। सिट डाउन, सिट कैंडो, सिट, शेक हैंड करा, शेक हैंड। अरे वाह, इस वाले हाथ से भी करो, इस वाले हाथ से, नो नो उस वाले हाथ से। गुड गुड मॉर्निंग कैंडू, कैंडू गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ क्या हुआ? अपने आप ही हाथ दे रहे, भोली बनी। हाँ बस हो गया, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए प्यार, बस शेक। हाँ देखिए, सबको देती है उस वाले हाथ से, उस हाथ वाले हाथ से। याला नहीं बोलो, उस वाले हाथ से, वाले हाथ से, वाले हाथ से, वाले कैंडी, नो नो याले हाथ से दो। एक एलो मेरा बच्चे, दे 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 उसमें दे, आ चल इसे एलो एलो एलो। गुड मॉर्निंग उड़गी, होगी तेरी सुबह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट आपको पूरा दिखा भी नहीं पाई हूँ क्योंकि इसके बाद सिया की क्लास आ गई थी, जो कि मेरे फ़ोन से ही होती है, तो इस वजह से फ़ोन उसको देना पड़ता है। तो बस थोड़ा बहुत सोची थी, जब तक क्लास नहीं आती है उतना उतना शेयर कर देती हूँ। तो एकदम से क्लास आ ही गई थी, तो आज मैं बीट रूट और पनीर, साथ में थोड़ा सा प्याज ऐड करके ना उनके लिए पराठे बना रही हूँ। हर बार मैं बनाती हूँ, प्याज हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो मैं इसमें पनीर, मेरे पास था तो मैंने कहा पनीर मैं इसके साथ मैश मिक्स करके बना देती हूँ, और बहुत अच्छा। मेरे बच्चों को चुकंदर के जैसे पराठे हैं, इसमें गाजर प्याज मैं ऐड कर देती हूँ ना, बहुत अच्छे से खाते हैं, कई बार स्कूल के लिए भी देती हूँ। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, उसके बाद सिया की क्लास आ गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड आफ्टरनून। 12:30 बज रहे हैं, टाइम अभी हो रहा है, नहीं टाइम तो 12:30 बज रहे हैं, और आज 11 तारीख है ना सिया, 11 है ना? हाँ, और आज है 11, और बच्चों की अभी अभी सिया की जो है ना क्लास वो ओवर हुई है, क्योंकि इनकी ना स्कूल तो नहीं खुल रहा है लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, क्योंकि स्कूल नहीं जाएंगे, 15 से स्कूल खुलेंगे, इतने दिन क्या करेंगे ना, फिर क्या होता है, पढ़ाई का भी नुकसान होता है। ठंडा इतना हो गया, आज हमारे इधर धूप नहीं आ रही है, बारिश बारिश है, और आज ही मैंने एयर वॉश कर दिया। एक्चुअली मेरे ना बाल बहुत ही ज्यादा चिपकू हो गए थे, तो हेयर वॉश कर दिया, हल्के से गीले हैं। तो मैं क्या करूंगी ना, हमारे घर में ब्लोअर है ना, जो उसको मेरे पास ना हेयर ड्रायर नहीं है, था वो खराब हो गया था, तो जो हमारा ब्लोअर है ना उससे मैं, उसमें गर्म हवा आती है बिल्कुल हेयर ड्रायर की तरह, तो मैं सोच रही हूँ उससे अपने बाल जो मैं सुखा दूंगी। तो हल्के हल्के सूख गए, लेकिन हल्के हल्के रह गए हैं, और बस खांसी जुकाम मुझे भी, सिया को भी, आशिक को भी, मतलब सबको ही हो रहा है, क्योंकि मौसम ना अजीब सा हो रहा है, खुल के या तो बारिश हो जाए या फिर खुल के धूप हो जाए, दोनों ही चीजें नहीं हो रही ढंग से, इसलिए तो वही है। और अभी मैंने क्या बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी, क्योंकि सिया का क्या हो रहा था, क्लास आ रही थी, बार बार जा रही थी, इस वजह से मैंने जो जो बनाया था थोड़ा थोड़ा वो मैंने आपको दिखाया। मैंने ना नमकीन सेवई भी बनाई थी आज, और साथ में पनीर और चुकंदर के मैंने पराठे बनाए थे, तो पनीर कल का बना हुआ था इसलिए। और अभी लंच की तैयारी भी देखो शुरू हो रही है, ये तो ये उड़द की दाल है, इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा वो कर दिया, ये उबल जाती है लेकिन थोड़ा भिगा दिया था, और इसको आज हम बनाएंगे उड़द की दाल। मैं दाल मखनी टाइप का नहीं बनाऊंगी, सिंपल उड़द की दाल बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना हैवी हैवी खा रहे हैं, हैवी हैवी, खूब मसाले वाला और खूब तेल वाला, थोड़ा सा सिंपल करके बनाऊंगी मैं, दाल चावल बनाऊंगी, बस वही है। और आप लोगों के उधर बारिश हो रही है, क्या हो रहा है आप जरूर बताना कमेंट करके। मैं आज बहुत ठंडा हो गया है, और मेरे को जाना है अपना वीडियो एडिट करने, लेकिन उससे पहले मैं दाल बॉईल करने के लिए रख दूंगी उसके बाद। तो बस यहाँ पर जो दाल है उसको मैं बॉईल करने जा रही हूँ, और ये उड़द की दाल ना आपको काफ़ी कम लग रही होगी। एक्चुअली हमारे इधर पास में एक आश्रम है ना, तो वहाँ पर एक आंटी है, उन्होंने क्या करा ना, इससे एक दिन पहले उन्होंने राजमा और उड़द की दाल को भिगाया था, बॉईल भी कर दिया था, लेकिन उनका कहीं से आ गया था खाना तो वो बच गया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग बनाओगे तो बना देना, बिल्कुल साफ़ है, उबली हुई दाल है, तो हमने ले ली थी। और उसके साथ क्या होता ना, वो सबके लिए पूरी नहीं हो पाती, तो मैंने उसमें क्या करा, थोड़ा सा मैंने कहा उड़द में मिक्स कर दूंगी तो फिर सबके लिए ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उड़द की दाल जो है ना थोड़ी सी भिगा दी थी, जो कि हमारे लिए काफ़ी हो गया था। और उसके बाद उसको बॉईल, मतलब सिर्फ मैंने नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जो ऑयल कंटेनर्स है ना ये भी खाली हो गए थे, तो इनको भी मैं फिल कर दूंगी ऑयल से।
जब तक ये उड़द की दाल मतलब बॉईल होती रही ना, तब तक मैंने इसके मसाले रेडी कर लिए थे, मतलब प्याज टमाटर वगैरह अदरक लहसुन। तो यहाँ पर दाल आप देख रहे हो तो कम ही थी, तो जल्दी उबल गई थी और मसाला भी मैंने तैयार कर लिया था। और बस यहाँ पर उबली हुई दाल मैंने ऐड कर दी है, एक साइड मैंने चावल जो है चढ़ा दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मुझे था मैंने उसे ना बड़े वाले बाउल में निकाल दिया था दाल को और मैंने चावल अलग चढ़ा दिए थे। इसमें सिर्फ मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल सिंपल उड़द की दाल जैसे हम खाते हैं ना, सेम वैसी बना रही हूँ, दाल मखनी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा सी चीज़ें जाती हैं, मलाई वगैरह या क्रीम हो गया, थोड़ा सा ऑयल बटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। और अभी काफ़ी दिनों से इतना हैवी खा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर अभी सिंपल सा मैंने लंच बनाया था, उड़द की दाल और चावल। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, तो नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे तो अच्छी धूप निकली थी, तो अभी भी हमारा इस टाइम पे ना लंच हो चुका है और हम बाहर बैठे हैं। क्या होता है ना कि इस टाइम पे यहाँ पे बैठो तो बहुत अच्छी धूप लगती है, छत में जाओ तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, तो छत में हम बैठ ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट धूप लगती है ना, तो एकदम से ऐसा लगता है चक्कर जैसे आने को हो जाते हैं, तो हम लोग छत पर जाना अवॉइड ही करते हैं। बहुत कम हो पाता है कि जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो छत पे जाना पड़ता है, नहीं तो फिर मम्मी और मैं यहीं बैठ जाते हैं। बच्चे तो बहुत कम ही बैठते हैं धूप में, इनको बुला बुला के, लेकिन ये बैठते ही नहीं है। और यहाँ पे सियाना लड्डू खा रही है जो कि इसकी नानी ने बना कर दिए थे, और ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रहे थे, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे और साथ में मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब उन्होंने लड्डू देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे क्योंकि मीठा ना उनको देख के मतलब ऐसा होता है कि होता है ना जिनको मीठा पसंद है या जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसको देख के वो खुश होता ही है। तो यहाँ पर सिया लड्डू खा रही थी, उसके बाद फिर मैंने उसको कहा एक दादी और एक मेरे लिए भी लेकर आ, हम भी खा लेते हैं। तो वही वैसे तो मैं इनको दूध के साथ देती हूँ इसको रात को, लेकिन अभी वो इस टाइम पे ले रही थी और ऊपर से इन्होंने देख लिया मैंने कहाँ रखा है, तो फिर वो अपनी मर्जी से उठा के खा लेती है। तो एक दादी और मेरे लिए भी लेकर आई, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे जो मंडवे वाले बनाए थे ना हमने लड्डू, वो भी बहुत अच्छे लगे मम्मी को। तो बस धूप लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, चाय वगैरह बनाएंगे और चाय पियेंगे। तो बस अभी हम लोगों ने अच्छे से धूप सेक ली है, मतलब दिन भर में तो धूप में नहीं बैठा जाता है जब तेज़ रहती है ना, लेकिन हल्की वाली धूप जैसे 3 बजे के बाद वाली अच्छी लगती है, या फिर बिल्कुल सुबह सुबह की धूप अच्छी लगती है। तो बस वहाँ से अंदर आ गए हैं और यहाँ पर लड्डू का डब्बा रखा हुआ था, खा रही थी ना तो सिया हमारे लिए भी लेकर आई थी, वो यहीं उसने छोड़ दिया था, वो मैंने ऊपर रख दिया है। दिन के बर्तन हैं जो कि मैं जो वॉश करे थे ना वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ, और ये जो आयरन की कढ़ाई आप देख रहे हो ना, लोहे की कढ़ाई, इसको भी मैं ग्रीस करके रख रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो बाद में जंक जैसा लग जाता है ना वो नहीं लगता है इसमें, या तो इसको जैसे जैसे धो रहे हैं वैसे इसको गर्म कर दो तब इसमें जंक नहीं लगता है, या फिर इसको ग्रीस करके रख दो तो इसमें जंक नहीं लगता है। हल्का सा ऑयल लेकर बस चारों तरफ लगा दो, और जब भी हमें दोबारा इसको यूज़ करना हो तो एक बार अच्छे से वॉश करके इसको यूज़ कर लें तो फिर ठीक रहता है, क्योंकि वो जंक लग जाता है ना तो कढ़ाई देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और उसको फिर दोबारा से वॉश करना ही पड़ता है, लेकिन वो दाग हटता नहीं है। एवरीवन, तो
शाम के 5:45 बज गए हैं और चाय तो हमने 4 बजे 5 बजे पी ली थी। और ये मैं आपसे काफ़ी लेट मिल रही हूँ, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देख रही थी अपना, इसलिए आशी अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रही है या टीवी देख रही है। और अभी देखते हैं डिनर में क्या बनता है। और आज ना हमने दिन में बनाया था, चूल्हे पे खाना बनाया था, झंगोरे का पलेव बन बोलते हैं उसको, बहुत टेस्टी बना था। वो दूसरे चैनल पे डालूंगी तो मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक करना, बहुत टेस्टी बनता है। और आपको मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मुझे ना कोल्ड हो रखा है, इस वजह से गला बिल्कुल बैठ गया है। तो मैंने गरारा वगैरह कर रही हूँ, उससे तो मुझे बहुत रिलीफ मिला है। 2-3 बार दिन भर से मैंने कर दिया, अभी एक बार और करूंगी। और बस अभी ये बेड वगैरह ऐसी है, इसको अब मैं ठीक नहीं करूंगी क्योंकि जो भी आ रहा है इधर बैठ रहा है तो ठीक करने का फायदा नहीं, ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है इस वजह से। तो बस अभी किचन में जाऊंगी और चाय के बर्तन वॉश करने हैं मुझे, और साथ में देखना है डिनर में क्या बनता है, उसका बड़ा टेंशन है क्या बनता है, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं। मम्मी डॉक्टर के पास गई है तो अगर कुछ लेकर आएगी मम्मी तो वही बनेगा, अदरवाइज मैं आलू की सब्जी सोच रही हूँ कि आलू टमाटर बना देती हूँ, बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो इसलिए। और एक दो काम ना मेरे इधर और है तो, या तो क्योंकि जो क्रॉकरी निकाली थी ना उस, जब दीदी आई थी तो वो क्रॉकरी तब से निकली हुई है, मैंने अंदर रखी नहीं है, तो अगर उधर का काम हो जाएगा तो फिर मैं ये वाला स्टार्ट कर दूंगी, इसको फाइनली रख ही दूंगी, बाहर रखा हुआ है डब्बे ना, इस वजह से मम्मी ने सब पैक करा हुआ है, बस मुझे उसे अच्छे से डब्बे में रख के अंदर रखना है, जहाँ पे मैं रखती हूँ उसका एक हमने अलमीरा सी है उसमें मैं रखती हूँ इसको। और आपको मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी जैसी लग रही होगी, भै भै भै, लेकिन क्या करूँ, कुछ कोल्ड में ऐसी हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर है वो, देखो मम्मी ने न्यूज़पेपर में ना इसको करा हुआ है, बस मुझे इसको अलमारी में डालना है। तो पहले किचन में देखती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। यहाँ पे कर रही है अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रही है अभी ये, और बहुत देर से बैठी हुई है। कितना देर हो गया बेटा? 5 बजे से बैठी हुई है ये। हॉलीडे, अच्छा हॉलीडे होमवर्क भी कर रही है। वो थर्मस इसका वहाँ रख दिया मैंने, बार बार इसको ना आना पड़ता है पानी पीने के लिए, तो मैंने इसको अलग ही थर्मस दे दिया है तो उसे पीती है। और थर्मस ना इसको शायद गिफ्ट दिया था, यहीं पे एक आंटी रहती है ना, तो इसको गिफ्ट दिया था, आई थिंक गिफ्ट दिया था मुझे, ध्यान तक ध्यान आ रहा, बहुत अच्छा है ये, है ना? हाँ गरम है, आंटी ने दिया था, रिया दी की मम्मी ने। हाँ तो मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा बस तोड़ना मत थर्मस। और अभी कमरे का हाल ना कुछ ऐसे ही करा हुआ है, बच्चे ना आते हैं बैठते हैं इस वजह से ऐसा रहता है, अदरवाइज ऐसा रहता नहीं है। और बच्चे वाले घरों में ना बोल ही नहीं सकते कि साफ है, हो ही जाता है। लेकिन आशी मेरी प्यारी सी बच्ची अपने आप पढ़ती है, अपने आप होमवर्क करती है ना, हंस रही है मम्मी आज बड़े प्यार से बोल रही है। बस यहाँ पे मैंने पर्दे अब लगाए हैं, एक्चुअली मैं भूल गई थी, इधर की साइड आई नहीं ना इस वजह से, तो पर्दे अब लगाए हैं। तो बहुत ठंडी हवा आती है और अब तो कुछ ज्यादा ही आती है। और यहाँ पर सिया की जो बुक्स है मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास यहीं बैठ के करती है, अब वो करेगी अपना होमवर्क करेगी, जो उसको मिला हुआ है ना वो करेगी वो अंदर बैठ के, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंडा है। तो बस यहाँ पर सिया अपना होमवर्क कर रही है, क्योंकि जो भी इनकी ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, होमवर्क तो इनको रेगुलर मिल ही रहा है, तो इसका 1-2 दिन का पेंडिंग ही है होमवर्क ना, तो वही वो कर रही है। इससे पहले इसकी फ्रेंड्स आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इनके लिए एक मूवी लगा दी थी, वो शिवजी भगवान की लगा दी थी, तो बड़े प्यार से देख रहे थे, मतलब प्यार से ध्यान से देख रहे थे ये शिवजी जी की मूवी। तो वो देखी, इसकी फ्रेंड्स चले गई हैं तो अब ये खाली थी, आशी तो अपना काम कर ही रही है। तो आशी के साथ क्या है ना, अब थोड़ा शायद बड़ी भी हो चुकी है, तो उसको मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ता है कि अपना होमवर्क कर लो होमवर्क कर लो, उसको पता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ ही जाती है। और पहले उसको भी बोलना पड़ता था होमवर्क कर लो होमवर्क कर लो, लेकिन अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप करती है। बस जैसे रहता ना जब एग्जाम वगैरह या टेस्ट रहते हैं, तब उसको पढ़ाई के लिए मुझे फोर्स करना पड़ता है बार बार, अदरवाइज वो अपना होमवर्क वगैरह वो खुद से कर लेती है। सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है, इसकी फ्रेंड्स आ रखी थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो चले गई हैं। आशी तो अपना होमवर्क कर रही थी ट्यूशन का, 6:30 बज गए हैं, 7 बजे आशी जाएगी ट्यूशन, सिया कर रही है अपना होमवर्क, क्योंकि इसने कल भी नहीं करा था होमवर्क और आज का भी नहीं करा है। कल तो ऐसे ही छोड़ देता, तो मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर स्कूल खुलेंगे ना फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, अभी आई नहीं है। एक्चुअली मम्मी थोड़ा लेट ही गई थी, विक्रम में गई हैं तो मम्मी थोड़ा सा टाइम, मतलब दवाई लेने गई है मम्मी, और 1-2 चीज़ें और लानी है मम्मी को, तो वो भी लाएंगी मम्मी, इस वजह से भी लेट हो रहा होगा।
और अपने कपड़े भी चेंज कर दें। कुर्ती मैंने अपनी चेंज कर दी है क्योंकि वैसे तो वो भी गर्म थी, लेकिन घर में पहनने के लिए क्या होता है कंफर्टेबल सा भी वो नहीं होता है और गंदी ना हो जाए ये भी लगता है कि चलो रोज़ धुल रहे हैं लेकिन फिर भी जो गंदा लग जाता है ना पता नहीं चलता कभी भी, इसलिए मैंने चेंज कर दी है। कम्फर्टेबल वेयर पहन लें अपने घर के। और ये टीवी देख रही है अपना। तो चलिए अभी मैं इसके लिए दाल गर्म कर रही हूँ क्योंकि आशी बोल रही है मुझे दाल खानी है और एग भी बॉईल कर रही हूँ इनके लिए। तो बस यहाँ पे मैं अभी आलू जो है ना वो बॉईल करने रख रही हूँ। तो आलू में मैं थोड़ा सा नमक ऐड ज़रूर करती हूँ, इससे क्या होता है एक तो आलू बोलते हैं फटते नहीं है और ये बिल्कुल सही वाली ट्रिक है, आलू फटते नहीं है और सेकंड अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एग बॉईल ये कर वाली रही दाल हूँ। है ना मैंने अभी तक नहीं बनाई है, जो सफ़ेद मटर नहीं होता है वो है ये, और ये मैंने अभी तक नहीं बनाया है एक बार भी। रोज़ सोचती हूँ इसको रात को भिगाऊंगी और रोज़ भूल जाती हूँ, लेकिन अभी ये मुझे एकदम से याद आया ना तो अभी भिगा देती हूँ, तो फिर बाद में फिर मैं भूल जाऊँगी। तो ये सफ़ेद वाले मटर हैं, थोड़े तो मेरी मम्मी ने दिए थे और थोड़े मैं बाज़ार से भी लेकर आई थी, तो ये शायद मार्केट वाले हैं शायद से, या दोनों मैंने मिक्स कर दिया मुझे भूल गई हूँ। तो इसको मैं ना भिगा साफ करके पहले फिर भिगाने रख देती हूँ और देखूँगी इसका मैं या तो दाल बनाऊँगी चावल के साथ और या फिर मैं इसका एक चाट भी बनता है वो बनाऊँगी, तो दोनों में से एक चीज़ बनाऊँगी, बनाऊँगी तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। दवाई लेकर अपनी और दवाई के साथ साथ मम्मी बहुत सारा सामान भी लेकर आई है जो कि जरूरत है। लो कैसे आप लोग, दवाई लेके आई मैं तो वहीं पे दुकान है, हमें ना ये कहीं नहीं मिल रही थी, मतलब ऐसे अच्छी वाली नहीं मिल रही थी कहीं पे ना, तो ये जहाँ से मम्मी दवाई लेकर आती है ना अपनी मोती बाजार में, मोती बाजार वहाँ से मिली है ये, जो बोलते हैं ना उसका गुड़ का शंकर बोलते हैं इसको, खड़की खांड बोलते हैं ना, चाय में डालो दूध में डालो तो बहुत बढ़िया है। तो हमने अब धीरे धीरे करके ना जो चीनी है वो बहुत कम बोल आप सकते हो बंदी करना की कगार पे है, अब हम लोग यही ज्यादा यूज करेंगे। हम पिछली बार 2 महीने से खा रहे हैं इसको, काफी अच्छा रहा है ये, दुकान सब कुछ मिल रहा है तो मम्मी खाते हैं, ये है बेसन वहाँ का अच्छा राजधानी लिया है, वहाँ भारी हो गया दवाई लेने की, वहाँ से भी रिक्शा करा 100 रुपए में भारी बहुत हो रहा है, यही 2 किलो है 2 किलो गुड़ है, पूजा के लिए लाई, ये चिन्नी लाई, ये लाई बच्चों के लिए मूंगफली लाई खाने के लिए, और बेसन है ये गुड़ है खाते रहते हैं गुड़, और अभी इसका यूज भी होगा, अभी हम लोग भुक्तिया बनाएंगे ना त्योहार तो उसमें भुक्तिया बनाएगी मम्मी थोड़ा दिन है, तो चटनी के लिए चटनी के किसी के काम आ जाए है, तो इतना सारा मम्मी उठा के ला रही है, तो फिर रिक्शा में आना ही था, इतना भारी भारी काम 6-7 किलो का मेरे ख्याल से सामान है ना। और बस मम्मी भी अब आ गई, जब मम्मी आती है बच्चे सारे खुश, दादी आ गई कुछ लेकर आएगी, हमारे कैंडी भी ऐसी आती पीछे पीछे कुछ आया होगा, मूंगफली खाने का शौक है, मूंगफली हां कैंडी को मूंगफली बहुत पसंद है, मूंगफली है बाबू बच्चा अपनी जगह वो जाके खाएगी अपनी अपनी जगह में जाके खाएगी, हाँ खाएगी अभी आराम से खाएगी, मूंगफली तो बहुत पसंद है इसको, मूंगफली खाते खाते आज के ब्लॉग को यही पहन करते हैं, आधे मूंगफली लग गए और बगल में है मामी जी, उन्होंने मंगाई थी अच्छी लगी मूंगफली तो उनके लिए ये लाई मैं आधा किलो उनके लिए और आधा किलो मैंने जब मैं खाने शुरू कर दी मामी जी को, और ये पूजा करने का आवाज लगा के देती है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, ठीक है, बाय, गुड नाइट।